देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होंगे। पहले दिन जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होंगे, एक दिन छोड़कर सरपंच और पंचों के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि पहले वाले ड्रॉ से ही चुनाव होंगे। बीसीए की सीट को जनरल सीटों में तब्दील कर दिया जाएगा। 30 सितंबर से पहले चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ब्लॉक समिति अध्यक्ष और जिला प्रमुख के चुनाव सीधे नहीं होंगे, दोनों के चुने हुए सदस्य चुनाव करेंगे। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आम जनता से बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील की। इस दौरान जिले के उच्च अधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का रेवाड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। क्या पूरा कार्यक्रम है? जैसे कि आपको पता है, 1.5 साल से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं, पहले कोरोना के चलते और कुछ कोर्ट केसेस की वजह से। तो अब चुनाव का समय आ गया है और सितंबर माह में हम चुनाव करवाने जा रहे हैं, तो उसी के लिए तैयारियों की व्यवस्था देखने के लिए मैं यहाँ पर आया। सर, कितने चरणों में हो सकता है चुनाव अगर बात कर लेते? अभी ये तय तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ कि चुनाव तो एक ही चरण में होगा, लेकिन पहले एक दिन में हम करेंगे जिला परिषद के जो सदस्य और पंचायत समितियों के सदस्य का जी, और एक दिन छोड़ के फिर पंचायत मेंबर जो है और सरपंच का। पहले सर, डेट 16-18 सितंबर एक टेंटेटिव चल रही है, क्या? नहीं, डेट का कोई अभी नहीं, जब तक शेड्यूल नहीं अनाउंस होता तिथि के बारे में कोई निश्चित रूप से घोषणा नहीं की जा सकती। सर, प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन है, डेट साल से पेंडिंग है। अपना खूब भारी से भारी मात्रा में सब लोग जाएं, मतदान के लिए निकलें। ये एक राष्ट्रीय उत्सव जैसा होता है और अपना नुमाइंदा चुने, ठीक लोगों को चुन के भेजें ताकि उनके काम, विकास के कार्य जो है ठीक प्रकार से हो पाएं। सर, जिला टेक्निकल इश्यूज थे, क्या वो सारे खत्म हो गए हैं अभी, इस तरह का जो भी थे? हाँ हाँ, अभी किसी कोर्ट का या कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है। ईश्वर खैर रखे, कोई कोविड की स्थिति ना खराब हो तो चुनाव समय पे कराएं। जिला परिषद चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव होंगे? नहीं नहीं, जिला परिषद के मेंबर्स और पंचायत समिति के मेंबर्स के चुनाव होंगे, वो आगे प्रत्यक्ष रूप से फिर प्रेसिडेंट और जो चेयरमैन है उनको चुनेंगे। सर, एक वार्ड आरक्षण को लेकर था, जो पहले हो चुका वही आरक्षण से हो गया, दोबारा इसका ड्रॉ निकाला जाएगा? सर देखिए, जो 10 मई का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तो बैकवर्ड क्लासेज या अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो रिजर्वेशन है वो नहीं दी जा सकती। अभी चुनाव की चूँकि विधिवत घोषणा नहीं हुई है और राज्य सरकार ने हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का भी गठन कर दिया है, माननीय जस्टिस दर्शन सिंह जी उसके चेयरमैन हैं, तो अब देखो अगर तब तक रिपोर्ट आती है नहीं आती है ये उस पर मुनसर करेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं माना जाए जो बीसीए के तहत जो रिजर्वेशन था वो अभी तक प्लानिंग में अभी तक नहीं है, एटलीस्ट कम से नहीं अभी तो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जाए तो अभी नहीं है, लेकिन वो तो वार्डबंदी हो चुकी है जी। और अगर ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन नहीं मीट हुई हो तो वो सारी जो रिजर्वेशन वाली सीटें हैं बैकवर्ड क्लासेस की वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी, और अगर तब तक कोई रिकमेंडेशन आ जाती है और ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन पूरी हो जाती है फिर यथावत रहेगा। ठीक है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।